ऐसी की तैसी बैगन खा गए मेरे। Hey guys, good morning, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज अभी जो टाइम हो रहा है 7:06। सो गाइज जल्दी उठने का रीज़न ये था कि मुझे जाना अभी रेलवे स्टेशन किसी काम से, लेकिन फिलहाल मैं जल्दी उठ गया था। मैंने कहा चलो थोड़ा रेडी वेडी हो जाते पहले, तो मैंने अभी फ्रेश वगैरह हो गया, मुँह हाथ धो लिया, तो फिलहाल जाते हैं अपने लिए बनाते हैं बढ़िया सी एक ग्रीन टी। मैंने सारा जुगाड़ किया हुआ अभी यहाँ पर, अपनी दिखाता हूँ अभी आपको। चलिए। सो एक कैटल वगैरह लेकर के आ गया था मैं, मैंने कहा ये ठीक रहेगी मेरे लिए। और यहाँ अलमारी में मैंने जो है अपने लिए ये अपनी ग्रीन टी हो गई, ये अपना कप, चम्मच और चीनी। पहले बिना चीनी के देखूंगा ऐसे पी करके, अगर ठीक लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो चीनी मिला लेंगे बाद में। चलिए गाइस, तो तैयार है हमारी ग्रीन टी विथ हनी एंड लेमन। और ये देखिए मेरा अलार्म बज रहा है, अभी 7:15 का अलार्म। और ये मैंने एडिटिंग की थी और ये बस थोड़ा सा रह गया, बस सेव होना, जैसे ही सेव होता है मैं उसको फटाफट से इसको अपलोड करते हैं फिर। तो चलिए जब तक ये सेव होता है मैं अपनी ग्रीन टी एंजॉय करता हूँ। चलिए गाइस, मैं आया था रेलवे स्टेशन, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन। ये अब चलते हैं घर को। एक बार पहले ही बोल चुका हूँ मैं कि मतलब यहाँ पर ना एक अलग ही दुनिया बसती है, बिल्कुल हल्द्वानी से अलग। चलिए गाइस, फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ मुखानी में, और सुबह सुबह का टाइम आप देख सकते हैं हल्द्वानी में मस्त मौसम हो रहा है एकदम। यार ये बड़े बड़े सांड रोड में खड़े हो जाते हैं ना, हालत ख़राब हो जाती है इनको देख के। मैं जब भी अपने फ़ोन से ऐसे व्लॉग बनाता हूँ ना, तो सब लोग देख के मुझे बोलते कि बंदा कर क्या रहा है। मतलब कुछ लोग तो समझ जाते कि हाँ ये बंदा वीडियो बना रहा है, कुछ लोग समझ नहीं पाते। जब होली का दहन होता है ना तो वो साइन होता है कि गर्मी आने वाली है, और जब खतरबा होता है तो वो साइन होता है कि अब सर्दी आने वाली है, मतलब कि रजाई गद्दे निकलने वाले हैं। तो 17 तारीख को हो गया खतर हुआ कंप्लीट, तो आप कह रहे हैं कि अब ठंड आने वाली है। और मौसम को देख के भी लगी रहा है आजकल, डेली डेली बारिश आती है, बादल छाए हुए हैं, एसी बंद हो गए सबके। अरे अरे मत डरा यार ऐसे। चलिए जी, मैं पहुँच गया अपनी कॉलोनी में। पर सामने अंकल जी कहाँ जा रहे हैं ये? चलिए गए, तो पहुँच गया घर। स्कूटी को बाहर से लगाते हैं, भाभी जी जाएंगे अभी अपने ऑफिस। अरे क्या पंगा हो गया, स्कूटी की चाबी फंस गई, मैंने हेलमेट निकाल रहा था। अरे अरे डिग्गी बंद हो गई, क्या हो गया, गड़बड़ हो गई यार, तो निकलेगी नहीं, अब निकल जाएगी क्या? अरे रे रे रे, तो बड़ा पंगा हो गया यार, स्कूटी की चाबी फंस गई इसके अंदर। भाभी जी ऑफिस कैसे जाएंगे समझ ही नहीं आ रहा, निकलेगी कैसे? आ तो रही लेकिन पूरी नहीं आ रही बाहर। आजा आजा आजा, थैंक गॉड निकल गई। होना गई थी तो ये डिग्गी मैंने बंद कर दी थी और चाबी इसके अंदर घुस गई थी। चलो बच गई चाबी यार, सूख गया ना, मैंने कहा पोछा सूख गया, मैंने कहा सूख गया सूख गया। चाचू गुड मॉर्निंग। अरे पता क्या हुआ जी, ये चाबी थी स्कूटी की, मैंने डिग्गी बंद करी, चाबी उसी के अंदर फंस गई। वो तो अच्छा भाभी जी ने ऐसे इसमें लगा रखा है लंबा सा। हाँ जिसने भी लगा रखा, मतलब चाबी मैंने ऐसे हेलमेट निकाला और चाबी उसी के अंदर रह गई, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने साइड से ऐसे खींची फिर निकल गई है। अगर ये नहीं होता चाबी अंदर ही जाती फिर। है गुड मॉर्निंग चाचू, कैसे हो आप? कैसे मेरे गले लग जाता है ये बंदर का बच्चा। नहीं तेरे को बंदर का बच्चा बोलूंगा तो गलत हो जाएगा। भाभी जी भैया क्या बन जाएंगे, बंदर बन जाएंगे, बंदर बंदरिया बन जाएंगे है ना, पाकड़ दो। सो गाइस फिलहाल मैं जा रहा हूँ बब्बी के स्कूल में, उसको बुखार आके बता रहे हैं तो उसको लेकर के आते हैं। चाचू बाय बाय, फ्लाइंग किस कर दो। चलिए गाइस चलते हैं। भाई सुबह तो बड़ा मस्त मौसम हो रहा था, बादल छाए हुए थे, और अभी देखो धूप आ गई है। वैसे धूप में उतना असर लग नहीं रहा अब। चलिए जी आ गया स्कूल में, स्कूल की गली में। और यहाँ मैंने एंट्री कर दी है। कुछ आउट पास तो नहीं थी, कुछ साइन इन करने के लिए गेट पास हो रही थी, मैं साइन कुछ लिख दिया मैंने। ये छुट्टी खुश जल्दी छुट्टी करा दी हमने। कैसा लग रहा है आपको, बुखार आ रहा है क्या?
हैं, फिर भी बुखार आ रहा है। तो क्या हो रहा फिर, तू ऐसी आ गई मजे मजे में? बैठ तू आगे बैठ। कभी जमाने में गुन्नू आगे बैठती है ना, गुन्नू, गुन्नू को बड़ा बैठा है मैंने आगे, है ना। चले तू चलाएगी स्कूटी, तू चला ले आज, ये चलाएगी। चलिए जी पहुंच गए कॉलोनी में, घर आ गए, घर आ गए, शाबाश। गेट खोल दो फिर अब, वेरी गुड। मैं वहां के बोला तू इसको भी ले जाओ, मैंने कहा ठीक है लाओ दे दो। हाँ वैष्णवी के साथ सौरा फ्री, छोड़ो बंद करता हूँ। अब हॉस्पिटल में हो तो इसका मतलब ये थोड़ी क्या है, थर्मामीटर लगाओ गया। चाचू हे हे, क्या खा रहा? अरे रोटी बना रहा है या पराठे बना रहा है, क्या बना रहा है? अच्छा आलू भरने के लिए मांग रहा। सो यहाँ बन रहे आलू के पराठे, बढ़िया वाले पराठे। हाँ दो उसके साथ क्या कहते हैं, बब्बी के साथ गुन्नू फ्री दे दी उनने, बोला इसको भी ले जाओ, इसकी भी तबीयत खराब हो रही। बोल मैंने पूछा तेरी तबीयत खराब हो रही, बोलती नहीं तो। मैंने कहा ये सही है तुम्हारा, बर्फ खा रही। अच्छा तो लग रही है। तू क्या चाहिए, क्या चाहिए हनी को? हनी को कहा चाहिए, हनी को कहा चाहिए? अच्छा बाय बाय। जा क्या कर दिए? नहीं नहीं ठीक है, लड़का ही ठीक है। हाँ तो लाओ धुलाता हूँ, चलो चलिए जी चाचू के हाथ धुलाते। चलो उठो, 1 2 3 दौड़ी 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 धम धम। आ जाओ, अच्छा बात। सो ये ले लिया हमने दही और ये आ गए हमारे गर्मा गर्म आलू के पराठे। चलिए शुरू करते हैं, डालो। और हमारे कृष्णा जी सलाम मुंह धो के आते हैं। चलो 1 2 3 दौड़ी 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 दौड़ी। तो गाइस अभी वन प्लस के सर्विस सेंटर से फोन आया कि भैया का जो हेडफोन है वो ठीक हो गया है, तो अब इसको लेने जा रहा हूँ। दिखाई दे रहे मैसेज आ तो रहे इसमें? हाँ तो वही तो मैसेज आ रहे हैं, टुडन टुडन तो सब कर रहा। अच्छा आवाज आ जा रही, बस खाली डिस्प्ले तो गई है इसकी खाली। हाँ तो ये भी ठीक कराना है। पीछे मुड़, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। चलिए गाइस फाइनली निकलते हैं मार्केट की तरफ और करके आते हैं अपने पेंडिंग काम। जा रहे बाय बाय, थैंक यू कर दो। हाँ हनी बाय बाय। चलिए गाइस तो फाइनली निकल पड़ा हूँ मैं। सो भाई सबसे पहले मैं आया हूँ वन प्लस के शोरूम में भैया का हेडफोन लेने के लिए। चलिए भैया का हेडफोन चेंज हो गया। सो ये है वन प्लस का शोरूम, सॉरी शोरूम नहीं सर्विस सेंटर। सो थोड़ी देर वेट करने के लिए बोला इन्होंने। चलिए गाइस तो मिल गए हेडफोन, अब चलते हैं यहाँ से वापस। और भैया को मिल गए नए हेडफोन, पहले वाले ब्लू थे, ये वाले ब्लैक है। कलर से क्या फ़र्क पड़ता है, हेडफोन अच्छे होने चाहिए बस। एक काम तो हो गया, हेडफोन चेंज हो गए, मैंने गले में लगाई ली है। मैंने कहा चलो फिर इसका थोड़ा सा मौके का फ़ायदा मैं उठाता हूँ तब तक। सो अब चलना है मुझे किसी सर्विस सेंटर में जहाँ पर भाभी जी का मोबाइल भी ठीक कराना है। चलिए तो फिलहाल पहले मैं जा रहा हूँ तिकोनिया में, भाभी जी का मोबाइल ठीक करके ले आते हैं। चलिए यहाँ तो बड़ा महंगा महंगा बता रहे हैं, तिकोनिया में एक मैंने सही बताया था, वहीं देखते हैं। लगा दिया क्या आपने? लगा दिया? नहीं अभी नहीं लगा, अभी क्या होगा। अच्छा सो गाइस यहाँ हो रहा है भाभी जी का फोन ठीक। सो गाइस मोबाइल वोबाइल ठीक हो गया, तो चलते हैं घर की तरफ। अभी एक दो काम और भी हैं वो भी कर लेते हैं पहले। फ्राइडे के दिन यहाँ पर मार्केट लगती है, पता नहीं लगी लगी नहीं लगी आज। हाँ लगी तो है। सो यहाँ से साग सब्जी लेते हैं, लगी नहीं यार, लगना शुरू हुई है अभी तो, पता नहीं कब तक लगेगी। अब क्या करें फिर, अब सब्जी वगैरह लेनी थी, सब्जी लेने के लिए शाम को आऊँगा अब। तो सीधे यहाँ से अब लाल डाट निकलते हैं और वहाँ से निकलते भी घर की तरफ। सो गाइस देखिए हल्द्वानी में कौन आया, शक्तिमान शक्तिमान। चलिए पहुँच गए अपने कॉलोनी में, अब पहुँचा। बधाई हो आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। ये लो ब्लैक दिए? हाँ वो ब्लू थे, बोला स्टॉक में नहीं है तो ब्लैक ही दे दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा भैया भैया को अच्छे लगेंगे तो मेरे को दे देंगे क्या आ रही। क्यों मम्मी जी सही बात नहीं है, हमने मेल भेजी उनको विश्ववाज। हाँ करा लाया। 11,050 11,050
ओके सो गाइस, अभी फिलहाल मामा जी लोग आए हुए हैं पीलीकोटी से भैया से थोड़ा हाल चाल पूछने के लिए, तो मैं अभी किचन में आया था, उनके लिए मैंने चाय बनाई और नमकीन बिस्किट वगैरह मैं देकर के आ गया हूँ। बाय बाय, थोड़ा घूमो आप भी, चक्कर काटो वहां से, वहां 10 चक्कर काटो, खाएगी। तो गाइस मामा जी के जाने के बाद फिलहाल मैं किचन में आया हूँ, पॉपकॉर्न बना रहा हूँ मैं। अब सुनिए इनका भड़बड़ाहट। सो लीजिए, हो गए हमारे पॉपकॉर्न तैयार। चलिए जी, लेके चलते हैं इसको, खिलाते हैं मम्मी जी को। चाचू बाय बाय। ओहो, अरे बाप रे, छींक मार दी। अरे तो मैं निकल रहा हूँ फिलहाल मार्केट की तरफ, क्योंकि मुझे लेकर के आनी हो कैटल, और भाभी जी का मोबाइल भी ठीक कराना है फिर से, मतलब उसमें वो लगाना है ग्लास। चलिए जी चलते हैं। और गाइस मौसम हो रहा है बड़ा मस्त, पहाड़ों की तरफ अगर थोड़ा देख रहे हैं यहाँ से तो बिल्कुल खुले खुले ऐसे पहाड़ दिख रहे हैं बिल्कुल, तो बारिश की कोई संभावना है नहीं, तो ऐसे मौसम में पहाड़ घूमने का मज़ा ही कुछ और है यार। भैंस, सांड, गाय, बड़ा आतंक यार इस रोड में तो। ये देखो सामने, मारना मत। सो गाइस फिलहाल मैं पहले जा रहा हूँ सब्जी लेने के लिए, अभी मैं दिन के टाइम पे यहाँ पर आया तो उस टाइम पे दुकानें लगी रही थी, और ये देखिए सारी आंटियाँ लोग जुला जा रही ना हाथों में थैला लेकर के, सब वहीं जा रही जहाँ मैं जाने वाला हूँ सब्जी लेने के लिए। दिन के टाइम पे गया था आपने देखा होगा कि वहाँ पर कोई भी नहीं आया था उस टाइम, मतलब दुकानें लगी रही थी, और अब तक मेरे को लगता है दुकानें ठीक से लग गई होंगी। तो चलते हैं, 2-3 टाइप की सब्जियाँ मम्मी जी ने मंगवाई हैं वो लेकर के निकलते हैं घर की तरफ। चलिए तो स्कूटी को ही लगाते साइड में। सो निकालते अपनी मोहनी चाय का थैला, इसमें लेकर के आते सब्जियाँ। भिंडी कितने? 40 रुपये। ठीक हो गया। अरे बाप रे, बड़ी भीड़ लग गई, दिन में तो पूरा खाली पड़ा था अभी मस्त भीड़। दिन में तो सिर्फ पकौड़े वाला ऐसे प्याज 50 का 2.5 किलो। प्याज क्या तेरे? सूखा सूखा है ना, गीला तो नहीं है? चलिए जी, ले ली हमें सब्जियां, अब चलते हैं। चलिए जी। अरे रे 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 रे। तो गाइस अब मुझे जाना है तिकोनिया में, भाभी जी के फोन में ग्लास लगाना है। मैंने ले लिया शॉर्टकट, इससे पहले जिस कंपनी में था उसकी बदौलत हल्द्वानी की गली गली मुझे याद हो गई अब कि कौन सी गली कहाँ से किधर निकलती है। ग्रेट। भाभी जी का फोन ठीक करना है यहाँ पे। इन लोगों ने मेरे बैग से बैगन निकाल के सब्जियाँ खा ली, देखो कितनी अच्छी बात है। वाह, 1 किलो बैगन इनके पेट में गए, भरता ही बनाएंगे बैगन का अब। तो भाई लोग भी हमारे सब्सक्राइबर बन गए अब, और 3 नए सब्सक्राइबर हो गए आज। भैया ने हमारा फोन ठीक कर दिया बढ़िया करके, अब कोई भी दिक्कत आएगी तो इनको पकड़ेंगे हम। ठीक है भाई लोगों, थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए इनका तो स्नैक्स हो गया, मैं निकलता हूँ घर को अब। चलिए जी अब चलते हैं घर की तरफ सीधे। गाइस 6:30 ही हुआ है और अंधेरा देखिए आजकल, 6:30 बजे कितना अंधेरा हो गया, पहले इतना 7 बजे तक इतना अंधेरा नहीं होता था। चलिए गाइस तो फाइनली पहुँच गए अपनी कॉलोनी के अंदर। चलिए जी पहुँच गए घर। हनी हमारे, चलो 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 चाचू, हेलो, हाउ आर यू, हाथ मिलाओ। सो गाइस फाइनली फिर पहुंच गया रूम पे, अभी जस्ट पहुंचा ही हूँ, और जस्ट पहुंचने के बाद आप लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया मैंने। सो गाइस आज गड़बड़ हो गई यार, 1 किलो बैगन खाई गई पूरी गाय। सो गाइस आज का दिन भी बहुत मस्त था हमेशा की तरह। सो उम्मीद करूंगा ये जो ब्लॉग था आपको पसंद आएगा, तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे बेहतर और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कर रही मैंने चाय पी भी ली। चाय मतलब वही लेमन टी मतलब।